दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवत नागौड़ा। आप देख रहे हैं इस डेली का आपका चैनल। दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो में कहना चाहता हूं कि ये जो MI का मैंने नंबर दिया था, ये बंदा फ्रॉड निकला। मुझे बहुत देर बाद पता चला। एक्चुअली मैंने बहुत सारे लोगों के जब कमेंट देखे और जब मेरे पास व्हाट्सअप आते थे कि सर हमने इस बंदे को पैसे दिए और इस बंदे ने हमारे साथ फ्रॉड किया। सच बताऊं तो मैंने इस बंदे से बात करने की कोशिश की, इस बंदे ने मेरा नंबर भी ब्लॉक करके रखा हुआ है और मेरी टीम मेंबर, मेरी जो टीम है उसका भी नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। मैं मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं है। मैंने पहली बार ऐसा दिल से आप लोगों की मदद करनी चाहिए। यह बंदा हमारा बहुत काम करता था पहले और इतने कोई हार्डली टर्म्स नहीं है इसके साथ। ये सिर्फ एक अनोइंग बंदा था। मेरे फेसबुक में एक ऐसा ये काम करता था। इसका फेसबुक में इसके नाम इसके ओप्पो के सर्वर अनलॉकिंग के नाम से इसका था और इसने मुझे खुद अपना नंबर दिया। उसने कहा कि आप मुझसे करवा सकते हैं। हमने कुछ काम भी इससे करवाए थे तो इसने सही तरीके से कर दिए थे और कम दाम में किए थे। तो बस मैंने ये कहा था कि अगर आप बाकी लोगों का भी कम दाम में करेंगे तो मैं आपका नंबर आगे सर्कुलेट कर सकता हूँ, तो इसमें लोगों की ही हेल्प होगी। दोस्तों एजर टेलीकॉम और मैं पर्सनली सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहते थे। मैं सच बताऊँ दिल से बताइए, इसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है कि हम ऐसा कोई पैसा लूट रहे हैं। ऐसा कभी मैं सोच भी नहीं सकता। दोस्तों मेरे इतने स्टूडेंट हैं और मेरे इतने हजारों स्टूडेंट हैं। हर महीने इतने हजारों स्टूडेंट आते हैं EMMC हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बैंक। सो ये सारे स्टूडेंट मुझे जानते हैं, आप लोग मुझे जानते हैं कि हम ऐसा कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है और क्या हो रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि ऐसा टेलीकॉम का नंबर है। मेरा नंबर नहीं है दोस्तों, ये एक MI वाला था। उसने हमें नंबर दिया था, हमारा काम करता था, हमें लगा कम पैसों में काम कर रहा तो हमने आगे सर्कुलर कर दिया। बस यही है, ये छोटा सा वीडियो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस नंबर पे आप कोई भी डील मत करें। और मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत पहले बना देना चाहिए, पर मुझे नहीं पता था कि मैंने अपने जितने भी वीडियो बनाए थे और जितने भी वीडियो में मैंने ये नंबर डाला था, मैंने सब डिलीट कर दिया। पर पता नहीं कैसे ये नंबर अभी भी सर्कुलेट हो रहा है। और अगर आपको कहीं लगता है कि मेरे किसी वीडियो में ये नंबर चल रहा है, अगर आपको लगता है किसी पोस्ट में मेरा ये नंबर चल रहा है और मैं इसको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे वो पोस्ट की लिंक कमेंट पर डालिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको पूरी तरीके से उसको डिलीट करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे फेक लोग, ऐसे बेकार के लोगों को हम पास में रखें। दोस्तों कसम से ऐसे लोग कम्युनिटी में होना नहीं चाहिए। ये लोग सबका नाम खराब कर रहे हैं। मैंने भी कसम खा ली है कि जिंदगी में अभी किसी ओप्पो वीवो किसी ओप्पो MI वाले का नंबर अपने लाइफ में नहीं देना है। मैं तो ये चाहता था कि आप लोग की मदद करूं, पर सच बताऊं कि मदद करने के लिए यह मदद का फैसला हम पर ही गलत हो गया और उल्टा लोग मतलब एसर टेलीकॉम को गलत समझने लगे। पर क्योंकि हम ऑलरेडी आपके दिलों में हैं, हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं और आप जानते हैं कि हम आपको सही आउटपुट दे रहे हैं, तो इसके बाद भी आप अपने अंदर वो जज्बा लेके बैठे हुए कहीं ना कहीं दिल के कोने में आपने लेके बैठे हैं, नहीं एसर टेलीकॉम वाले ऐसे नहीं कर सकते, जो कि सही है। इसलिए मैंने वीडियो बनाना पड़ रहा है और इसी के साथ में पॉजिटिव भी लीजिए इस वीडियो को। और मैं चाहता हूँ पॉजिटिव आप रहें और लाइफ में और सिर्फ आगे बढ़ें। और अगर हमने गलती की है तो उसको सुधार भी रहे हैं और इसलिए एक वीडियो बनाया और बता रहे हैं कि इस नंबर को अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो और इसको कोई भी पैसे मत दो दोस्तों। और ये फेक है। बस मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी मार्केट में हैं जो फेक काम कर रहे हैं और हमें ऐसे लोगों का हमें ऐसे लोगों को भी शेयर करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि जितना हम लोगों को शेयर करेंगे ऐसे लोगों की दुकान बंद होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। सच बताऊं दोस्तों, ये आदमी कितना भी पैसा कमा ले अपनी लाइफ में या ये आदमी कितना भी चोरी चकारी का पैसा कमा ले, इसका पैसा इसी के हाथ से निकल जाएगा। आप लोग खुद देखिएगा, ऐसे लोगों की कमाई ना अपने ही हाथ से निकल जाती है। तो इनको इतनी बद्दुआ लगेंगी ना लोगों की, क्योंकि इन्होंने लोगों का पैसा खाया हुआ है और ये बद्दुआई से मर जाएंगे। इसलिए मैं इनको कुछ नहीं कहना चाहता। बस मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, मैं कहना चाहता हूँ मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, एसर टेलीकॉम अभी किसी भी प्रकार का कोई नंबर सर्कुलेट नहीं करता है। एसर टेलीकॉम की तरफ से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है हम दे रहा है, ना ही हम देना चाहते हैं, ना ही हम आगे भी देंगे कि आप उससे MI वाले का काम कराओ, ओप्पो वाले का काम कराओ। हम कोई भी काम नहीं करते दोस्तों। ये हम इंस्टीट्यूट है, हम सिर्फ यहाँ पर टेक्नीशियंस लोग हैं। हम यहाँ पर काम करते हैं, हम यहाँ पर काम सिखाते हैं और इसके अलावा हमारे कोई भी ऐसा काम नहीं है। ना हम कोई टूल्स बेचते हैं, ना हम किसी प्रकार का यहाँ पर कोई ओप्पो व्यू अकाउंट देते हैं। बस यही मेरा आप लोग से निवेदन है कि बस आप इस वीडियो को पॉजिटिव भी मिलिएगा। थैंक यू वेरी मच।